सीरियल देर से देर तक में तानी की बेवकूफी भरे नेचर की वजह से पार्थ और सौरवी की लाइफ में आ रही है काफी मुश्किलें। सीरियल देर से देर तक में फाइनली सौरवी ने तानी के लिए हाँ कर दी है कि वो उसके बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी, और इसके लिए पार्थ सौरवी तानी को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ तानी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पार्थ ने तानी को इसलिए कन्विंस किया था क्योंकि उसको पता है कि तानी की लाइफ में इमोशंस कुछ भी मैटर नहीं करते, वो सिर्फ पैसे लेकर उनके बच्चे को देकर चली जाएगी। और तानी की तो दिन ब दिन डिमांड्स बढ़ती जा रही है, वो पार्थ और सौरवी से और पैसे डिमांड कर रही है जो उन दोनों के लिए उसे देना इम्पॉसिबल हो रहा है। एक्चुअली तानी पार्थ की मजबूरी का फायदा उठा रही है, पार्थ और सौरवी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो तानी को ये पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पार्थ के मन में अब तानी के लिए सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए तानी की ये सारी नौटंकियां बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो पार्थ कभी का उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तानी कैसे रिएक्ट करेगी जब पार्थ और सौरवी उसको अपने घर ले जाएंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या तानी उन दोनों के इस हेल्पफुल नेचर को देखकर बदल जाएगी? वेल, ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल देर से देर तक में तानी की बेवकूफी भरे नेचर की वजह से पार्थ और सौरवी की लाइफ में आ रही है काफी मुश्किलें। सीरियल देर से देर तक में फाइनली सौरवी ने तानी के लिए हाँ कर दी है कि वो उसके बच्चे की सरोगेट मदर बनेगी, और इसके लिए पार्थ सौरवी तानी को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ तानी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पार्थ ने तानी को इसलिए कन्विंस किया था क्योंकि उसको पता है कि तानी की लाइफ में इमोशंस कुछ भी मैटर नहीं करते, वो सिर्फ पैसे लेकर उनके बच्चे को देकर चली जाएगी। और तानी की तो दिन ब दिन डिमांड्स बढ़ती जा रही है, वो पार्थ और सौरवी से और पैसे डिमांड कर रही है जो उन दोनों के लिए उसे देना इम्पॉसिबल हो रहा है। एक्चुअली तानी पार्थ की मजबूरी का फायदा उठा रही है, पार्थ और सौरवी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो तानी को ये पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पार्थ के मन में अब तानी के लिए सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए तानी की ये सारी नौटंकियां बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो पार्थ कभी का उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तानी कैसे रिएक्ट करेगी जब पार्थ और सौरवी उसको अपने घर ले जाएंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या तानी उन दोनों के इस हेल्पफुल नेचर को देखकर बदल जाएगी? वेल, ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।